जनपद उपाध्यक्ष पटेल व महेंद्र देतलिया के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम पर जिलाधीश को कई मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। साथ ही किसान संघ उज्जैन द्वारा कई मांगे रखी गई। कुछ दिन पूर्व धार जिले के मनावर बोरलाई में किसानों के साथ हुए मॉब लिंचिंग के मामले को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। धार जिले के मनावर बोरलाई ग्राम में निरपराध किसानों के साथ जो मॉब लिंचिंग की घटना घटित हुई, उसी को लेकर किसान संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया। मध्य प्रदेश शासन के शासन संघ ने मांग की है कि मृतक किसान के परिवारजन को मुआवजा राशि दी जाए, साथ ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाए और मृतक किसान के परिवार में से किसी एक व्यक्ति को शासकीय नौकरी का लाभ भी दिया जाए। मृतक के नाबालिग बालिका की शिक्षा और विवाह का सारा खर्चा शासन द्वारा उठाया जाए। इस प्रकार की कई अन्य मांगे पटेल द्वारा की गई। ज्ञापन देने में ये लोग मुख्य रूप से उपस्थित थे। ग्राम टंकरिया पंत उमेश वर्मा, खोड़ा अर्जुन पटवारी कांकरिया, काना पटेल, गोलू पटेल, नीलेश पटेल आदि किसान उपस्थित थे। ये जो ज्ञापन दिया है, जो धार के पास मनावर के पास जो गांव में किसानों के साथ बोलाई गांव में मॉब लिंचिंग का जो केस हुआ, जो किसान वहां पर अपना पैसा लेने गए थे और उन मजदूरों ने उनको खुद आगे रह के वहां बुलाया था, पर उनको जैसे ही गांव में पहुंचने के बाद उनके साथ जो बर्बरता की और उसमें एक जो छः व्यक्ति थे उसमें से एक व्यक्ति की गणेश मुकाती जो शिवपुरा खेड़ा के थे उनकी वहीं मृत्यु हो गई और बाकी जो पांच लोग हैं वो चोईताम हॉस्पिटल में भर्ती है और वो भी जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। तो आज किसान समाज ने कलेक्टर के नाम मुख्यमंत्री जी को और इनको अपने गृह मंत्री को ज्ञापन पेश किया है कि जो गणेश है मृतक है उसके परिवार वाले को मतलब उसकी घरवाली को नौकरी दी जाए और कम से कम 1 करोड़ रुपया उसको मुआवजा राशि दी जाए, क्योंकि पहले भी घटना जो किसान आंदोलन हुआ था मंदसौर में उसमें पहले वाले मुख्यमंत्री जी ने 1-1 करोड़ रुपए किसानों को दिए थे। तो ये भी किसान का बेटा था और ये किसान था, अकेला कमाने वाला था, इसके घर में इसकी माँ है, इसकी दादी है, इसकी घरवाली है और इसकी 3 साल की एक बालिका है, इसके अलावा कोई कमाने वाला नहीं है। तो कम से कम उसको भी 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया और बाकी जो घायल है उनको 5-5 लाख रुपये की आर्थिक राशि मुहैया कराई जाए।